नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। आप पार्टी ने सुनी वार्ड में रहने वाले लोगों की समस्या, दर्जनों ने थामा आप पार्टी का दामन। सरोवर नगरी नैनीताल के वार्ड में जाकर आप पार्टी ने सुनी समस्या, इस दौरान दर्जनों लोगों ने थामा आप पार्टी का दामन। वहीं मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने आप पार्टी के नारेबाजी की एवं वार्ड के लोगों को विश्वास दिलाया वह समस्या को हल करने के लिए तत्पर कार्य करेंगे। यहां बता दें, राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद पार्टी कार्यकर्ता अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़ने के अभियान में जुटे हुए हैं। देखिए, आज जो नैनीताल के समीप एक कृष्णापुर वार्ड है, वहाँ पर कई सारी मातृशक्तियों, कई सारे युवाओं, कई सारे बुजुर्गों ने मिलकर के आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी और कहीं ना कहीं पर यहाँ आकर के जो यहाँ की समस्याएं हमने देखी, वो समस्याएं आज 21वीं सदी में उन समस्याओं को देख पाना अपने आप में एक शर्म की बात है। ये लोग जो कि ऊपर नैनीताल के निवासी थे, नैनीताल में अपना फर्क होगा व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनको प्रशासन द्वारा यहाँ पर बिना किसी व्यवस्था के एक तरीके से फेंक सा दिया गया है। यहाँ पर इन लोगों जो नैनीताल को जाने वाला मुख्य मार्ग है वो पिछले एक साल से टूटा हुआ है और यहाँ पर कई सारे बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनकी अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो उनको जाने की स्थिति में वो लोग नहीं रह पाते हैं। यहाँ तक कि जोलीकोट से नैनीताल तक एक जो शटल सेवा शुरू हुआ करती थी पहले, जो कि यहाँ से एटलीस्ट इनके पास एक ऑप्शन था कि कुछ नहीं तो पैसा दे करके लंबे रास्ते से चले जाएं, वो शटल सेवा बंद करा दी गई है। जहाँ पर इन लोगों का निवास है उसके ठीक बगल में बलिया नाला बह रहा है, जहाँ पर बड़े स्तर पर भूस्खलन चल रहा है और कहीं ना कहीं पर इन लोगों की जान को भी खतरा रहता है। इस कड़ी कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके मोहम्मद बुरहान उर्फ शान अख्तर ने साहिल व अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को पार्टी के केंद्रीय कुमाऊं प्रभारी जितेंद्र फुलारा, संगठन मंत्री अमित जोशी व नैनीताल जोनल प्रभारी सुरेंद्र सिंह हलसी ने फूल माला पहनाकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। हमें आगे लेके जाना है और इस लड़ाई बहुत लंबी है, हमें सबको मिलके लड़ना है, तब जाके आपकी सुविधाएं यहाँ पर जो भी आपको चाहिए, आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान आम आदमी पार्टी कर पाएगी, क्योंकि ये समाधान आप ही लोगों को करना पड़ेगा, आप ही के माध्यम से होगा। तो एक बार मैं जोरदार नारा लगाते हुए, मातृशक्ति जिंदाबाद, उत्तराखंड जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्यता ग्रहण करने वालों में सुमन आर्या, शशि सागर, बसंती देवी, हंसी देवी, रीना देवी, आनंदी शाह, जानकी देवी, गंगा देवी, शोभा देवी, प्रशांत, अमन, पवन, साहिल, देवेंद्र भूपारिया, गोपाल राम आर्या, अक्षय सेलवाल, बसंत राम, पीयूष चंद्र आदि प्रमुख रहे। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि राज्य बने 20 साल होने के बावजूद राज्य आंदोलनकारियों का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने एक एक करके उत्तराखंड की मासूम जनता का शोषण किया है। सिर्फ आम आदमी ही आम आदमी के हितों की रक्षक है। यहाँ जंगल पड़ा था, जंगल उन्हें सफाई करी, बच्चों ने बेरोजगार हैं, बच्चे सब बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको यहाँ गाड़ी लेनी चाहिए, अस्पताल बनानी चाहिए, सब मिलनी चाहिए भैया। यहाँ सुविधा बहुत मुसीबत है, यहाँ सुविधा मुसीबत है, सफाई वाला नहीं है। बच्चों ने इतनी मेहनत करी, यहाँ जंगल खोद के दिल्ली का मेन का बाजार बना दिया, ऐसा है बेटा। उत्तराखंड खबर के लिए देखिए ललित जोशी की नैनीताल से खास रिपोर्ट।